रेल मंत्रालय के निर्देश पर गोरखपुर सहित पूर्वोत्तर रेलवे के समस्त प्रमुख स्टेशनों पर जल्द ही मिट्टी के बर्तनों में खाद्य सामग्री परोसने की सुविधा शुरू की जाएगी। यात्रियों को स्टेशनों और ट्रेनों में अब चाय की चुस्की के साथ मिट्टी की सौंधी महक का भी आनंद मिलेगा। वहीं मुख्य सूचना अधिकारी संजय यादव ने बताया कि मिट्टी पर्यावरण का मित्र है और रेलवे ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। जो मिट्टी से बने हुए बर्तन जो होते हैं, जैसे कुल्हड़ है या जो प्लेटें हैं या जो और जो बर्तन है, ये अपने आप ही मिट्टी में ही वापस मिल जाते हैं, तो ये पर्यावरण को खराब भी नहीं करते हैं और इनमें खाना जो है स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक नहीं होता है। तो जैसे प्लास्टिक है, उसमें तो कोई भी खाना जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो रेलवे ने इसी को चलते इस पर्यावरण मित्रवत होने के नाते ये निर्णय लिया है कि हमारे स्टेशनों पर अब इस प्रकार के बर्तनों में ही सामग्री जो है खाद्य सामग्री वो परोसी जाए। मिट्टी के जो पहले कुल्हड़ चलते थे उनका फिर से हो गया है, और जो ये प्लास्टिक का दोना वोना चलता था वो बंद होके वो मिट्टी का बर्तन के हिसाब से आया है। आज रेलवे की तरफ से बहुत अच्छा पहल है, इससे पर्यावरण को संतुलित करने में सहायता मिली।